जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ग्लोबल T20 कनाडा के मैच की, जो कि खेला जाएगा ब्रेंटम वॉल्स वर्सेस MP के बीच में। दोस्तों, मेरी आपको बहुत ही ज़रूरी और एक कंपलसरी एडवाइस है कि आप जिस भी फैंटेसी यूट्यूबर की टीम फॉलो कर रहे हो ना, एटलीस्ट इतना देख लीजिए क्या उसकी खुद की टीम जीत रही है। मतलब जो बंदा खुद नहीं जीत रहा, वो आपको क्या जिताएगा, है ना। इससे भी बढ़िया एक और एडवाइस है, अगर आप किसी नए यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो ना, भले ही आप उसकी टीम लगा लो, लेकिन ज़्यादा बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट मत करना। क्यों? अगर वो बंदा बढ़िया ना निकला तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ना। थोड़े लगा लो, 500 हज़ार लगा लो, ज़्यादा मत लगाओ यार। मतलब कि 40-50 हज़ार कभी भी मत लगाना, है ना। या तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, फिर तो बात ही अलग है ना। फिर तो आप चाहे कोई भी लगा, पैसे वेस्ट करने का अगर आपको शौक है। लेकिन अगर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो ना, तो केवल बड़े और एक अच्छे यूट्यूबर को ही फॉलो करो, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मुझे फॉलो करने हैं, तो मेरी टीम देख लेते हैं, मेरी टीम कर रही है ना। आपको कि सर बोल इतना रहे, आप खुद की टीम का प्रदर्शन दिखा दो, है ना। तो ये हमने कोई वीडियो बनाई होगी, उस पर जनता जो जीती है, अपना नहीं दिखा रहा, जो मेरी वजह से आप लोग जीतते हो वही दिखा रहा हूँ, है ना। आप बहुत अच्छी टीम देते हो, मज़ा आ जाता है। ओहो, थैंक यू भाई। मैंने सर 1000 इन्वेस्ट किए और मैं 5000 जीत गया, क्या बात है। मुझे लगता है 4-5 मेंबर वाली लीग लगाई हुई इसने, इसे मुबारकबाद। आप भगवान हो भाई साहब, इतनी डीप नॉलेज मैंने आज तक नहीं देखी। ओहो, क्या बात है, थैंक यू भाई साहब। सब्सक्राइबर है मेरे, आप भी सब्सक्राइब कर लो। सर मज़ा आ गया, मैंने 500 इन्वेस्ट किए और 2000 जीत गया, क्या बात है। 3-4 बंदों वाली ही लगाई होगी इसने भी। सर कल तो मज़ा आ गया, आपकी टेलीग्राम वाली, अच्छा टेलीग्राम पे जो टीम मिलती है इसने वो फॉलो की होगी, और मेरा तीसरा रैंक आया 1000 बंदों में। ओहो हो, आपका 100 में आ जाए तो आप खुश हो जाते, इसका 1000 बंदों में थर्ड रैंक आया। सर आपकी टीम बेस्ट है, क्या बात है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देते हो भाई। 17000, ओए होए होए, आपकी टीम कहर है। थैंक यू सर, 5 लगा के 15000 जीत गया। ओए होए होए, ये 37, ये 50, ये 15, ये 12, ओए होए, लाइन लग गई। अब आप क्या कहोगे, सर टीम कहाँ पे मिलती है? दो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहे हो उसी के नीचे सब्सक्राइब आ रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, जैसे ही बेल आइकन आए ऑल पे क्लिक करना, सब्सक्राइब कर लिया है। दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है, ये ओपन करो डिस्क्रिप्शन, ये पड़ा टेलीग्राम। टॉस के बाद कोई भी टीम, दिन हो रात हो, कोई भी 25वां घंटा हो चाहे दिन में, यार उसमें भी कोई मैच है उसकी भी आपको टीम मिलेगी। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यार लाइक वाला बटन दबाना है, लाइक तो कर दिया करो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया आपने, यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लिया, अरे यार भाई को लाइक तो कर लो, है ना। तो दोस्तों T20 का मैच ब्रेंटम वॉल्स वर्सेस, ये मुझसे बड़ा नहीं जाएगा, MP, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले पिच रिपोर्ट दोस्तों, बैटिंग सरफेस है, CCA सेंटर है, है ना। विच विल फेवर द बैट्समैन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर, पहले ओवर से बैटिंग को हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि बड़ा मैच होने वाला है, काहे को बड़ा मैच है, है ना, बड़ा मैच है यार, बड़े बड़े ओवर्स, और ओवर उतने ही है, स्कोर बड़े बड़े बढ़ेंगे, ठीक है। इनिशियली द पेस बॉलर्स विल गेट असिस्टेंट, शुरू में तो होते ही है ना, हल्की स्विंग मिलती है लेकिन वो ना के बराबर है। ड्यू आएगा लेकिन सेकेंड इनिंग्स में आएगा, है ना। तो जो भी बैट्समैन टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना चाहिए, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं BRW वर्सेस MP की, दोनों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है ना, ब्रेंटन की और दूसरी वाली की, पैंथर ही बोल लेता हूँ इसे मैं, मिसिसुआगा। देखो पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों विकेट कीपर उस्मान खान, इनके ओपनर मैक्स डोनाल्ड, नीदरलैंड के प्लेयर्स हैं दोस्तों, बहुत तगड़े ओपनर हैं ये। चपमैन दोस्तों न्यूजीलैंडर है, बहुत तगड़े प्लेयर, लेफ्टी हैं। डी ग्रैंड होम को तो सभी जानते हैं, वन वीक को भी सभी जानते हैं दोस्तों। फ्राइलिंक एक और बहुत बड़ा दोस्तों बॉलर भी बैट्समैन भी, सऊदी को सभी जानते हैं। उस्मान बिन पाकिस्तान का है दोस्तों प्लेयर, हरभजन सिंह भारतीय एक दोस्तों, एक बहुत ही मैं कहूँगा एक भारत की आन बान शान रहने वाले हरभजन सिंह। जेरमी गॉर्डन ये नए प्लेयर हैं, राघव जोशी ये एक और नए प्लेयर हैं। उसके बाद मिसिसाउगा के बारे में बात की जाए तो पैंथर्स की, तो शोएब मलिक को सभी जानते हैं, क्रिस गेल को कौन नहीं जानता। कैमरन डेलपोर्ट दोस्तों एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर, टॉम कूपर एक अलग ऑलराउंडर, जसकरण सिंह आ गए, फिर नीशम के एक और बहुत बढ़िया ऑलराउंडर, मिहिर पटेल, न्यू आज़म खान इसके विकेट कीपर है। इतनी नीचे को दिखाया यार, मतलब ये तो 1 डाउन 2 डाउन का प्लेयर है, चलो कोई बात नहीं। श्रेय मोरवा दोस्तों मोवा नवा प्लेयर है। उस्मान कादिर एक पाकिस्तान का उभरता सितारा जाहिर खान के साथ, जाहूर खान स्पेलिंग गलत लिखी है, चलो कोई बात नहीं।
अब दोस्तों आप कहोगे कि सर प्लेइंग 11 बता दी हमने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं यार, अब ले लो, ये लो, वैसे बैक करके भी ले सकते लेकिन अब ले लो यार, ठीक है। अभी अभी आप कहोगे सर हमें तो प्राइम टीम चाहिए, आपकी खुद की वाली प्राइम टीम। ओके, तो आपको प्राइम से भी ऊपर की टीम मिलेगी, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो आपको पता है यार आप जीत ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले सब लोग जा रहे हैं आजम खान आजम खान आजम खान। अरे यार बैटिंग ऑर्डर तो देख लो बंदे का कितनी नीचे है, और उस्मान खान जिसको आप छोड़ रहे हो वो ओपनर आएगा T20 मैच है। लो पहली गलती कर दी थी आपने, अगर मैं ना बताता सब लोग 88% देख के आजम खान के पीछे पड़ जाते, लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं 40% लगभग जो UDCRA को फॉलो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद क्रिस गेल, हालांकि इनकी अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा अब इनका एज हो चुका है तो शायद ना चले, शायद ना चले, ठीक है। हालांकि ऐसे टूर्नामेंट्स में इतना बल्ला नाजायज बोलता है और बहुत तगड़ा बोलता है, लेकिन थोड़ा सा तो रिस्क लेना बनता है। वन डाउन वाले में मार्क चैपमैन के साथ जाऊँगा और एक नीदरलैंड के बहुत तगड़े प्लेयर मैक्सो डोनाल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं क्रिस गेल से। डेलपोर्ट दोस्तों मेरे गुड बुक्स में से है, बंदा बहुत तगड़ा प्लेयर, दैट्स व्हाई मैं ले रहा हूँ। देखो मैंने कुछ बड़े नाम छोड़े हैं, मैंने गेल को छोड़ा है, मैंने आजम खान को छोड़ा है, और मैंने डेलपोर्ट के साथ जा रहा हूँ मैं, है ना। डी ग्रैंड होम जनता ले रही है, लेकिन शोएब मलिक अब कहा गए, इनकी भी तो उम्र हो चुकी है दोस्तों, प्लेयर तो बहुत बढ़िया। बीक फ्राइलिंक, अरे यार किस किस को ले रहे हो, मतलब यार 91% वाले को छोड़ दिया और 95 वाले को भी छोड़ दिया। सिलेक्टेड वाले पे जाइए जरा, अब आपको धक्का लगेगा, मतलब आप कहोगे सर चल क्या रहा है, आप आगे दिमाग खिल गया क्या आपका। अरे नहीं यार, अब आप कहोगे यार 7 वाले को कौन लेता है, अरे कैप्टन भी बना बनाएंगे लोग। उसके बाद टीम साउदी नो डाउट, क्रिस ग्रीन तो शायद खेल नहीं रहा ना, प्लेइंग में दिखा नहीं है कि बंदा, थोड़ा सा नेट स्लो हो गया शायद। क्रिस ग्रीन ऑस्ट्रेलिया मुझे पता है, लेकिन वो प्लेइंग में दिखा नहीं है कहीं पे, वही है ना, तो अभी नहीं लेंगे दोस्तों। हाँ ना, चाहे 80 ना लिया, लेकिन कादिर बेटर प्लेयर है, उस्मान कादिर, कादिर है क्या नहीं है, कादिर तो है, कादिर बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। ये जहूर खान, नहीं, फिर मैं ही प्लेयर जाहिर खान समझ गया, तो नहीं गलत है। हरभजन सिंह कैप्टन है टीम के, और लेकिन मुझे लगता है एक आधी विकेट ही लेंगे, तो उस लिहाज से मैं नहीं ले रहा इनको। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे सर आपका दिमाग हिल गया शायद, मतलब यार दो बड़े प्लेयर जिनको सारी दुनिया ले रही है आप नहीं ले रहे। एक बार बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं, नीशम और डी किरण होम का कौन सा, डी किरण होम का तो ऊपर है, उनको तो लिया जा सकता है यार, तो डी किरण होम तो लिए गए, नीशम देखे जरा, निशम का थोड़ा नीचे, टॉम कूपर लिया जाता है जिमी निशम को छोड़ के। आप कहेंगे सर मतलब मैं नहीं समझा आपका टीम बनाने का तरीका, मुझे नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पाड़ देते हैं यार, क्या दिक्कत है। ये देखो क्रिस गेल बढ़िया कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिस्क लेके मैं किसी और प्लेयर के साथ चला गया, है ना। बड़े रिस्क है ऐसी बात नहीं, 3 रिस्क लिए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लिए, हालांकि 4 लिए हैं। क्रिस ग्रीन के तो खेलने तक भी डाउट है मुझे। आजम खान छोड़ दिया पहला रिस्क, इसकी जगह छोटा प्लेयर ले लिया दूसरा रिस्क, गेल छोड़ दिया बड़ा रिस्क, इसकी जगह दो छोटे प्लेयर ले लिए, हालांकि डेलपोर्ट छोटे नहीं है। उसके बाद बड़ा प्लेयर छोड़ दिया, इनकी जगह फ्राइलिंग ले लिया, बहुत ही छोटा प्लेयर दोस्तों, है ना। अब आप कहेंगे सर अगर तो चल गई आपकी टीम तो वारे न्यारे हो जाएंगे, न्यारे से भी ऊपर का कुछ हो जाएगा, है ना। कैप्टन कौन बनेगा बताइए दोस्तों, कौन बनेगा कैप्टन। मार्क चैपमैन दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेयर है, वी सी शोएब मलिक विल बी अ गुड चॉइस दोस्तों, एक अच्छी सौ, हालांकि वैन भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, इनको बना सकते हो, है ना। देखो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, वीडियो स्किप नहीं करना, मैंने पहले बोला था वीडियो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एक और टीम मेरे पास है दोस्तों, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अब देखना अगर रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते तो आपको क्या करना है, मतलब फिर आप दोस्तों बोलो बोलो बोलो, कूपर छोड़ के ना गेल, क्यों सारी जनता ने लिया है, नहीं बेचारा लॉस नहीं है, है ना। दूसरा रिस्क आपको करना है फ्राइलिंक, किसी ने भी नहीं लिया, निशम ले लो, है ना। तो क्या हो गया, फिर आपने केवल एक रिस्क लिया, क्योंकि उस्मान खान ऊपर आएगा और आजम खान नीचे आएगा, केवल आपने ये रिस्क लिया, और दो रिस्क बड़े रिस्क आपने कवर कर लिए, कौन से। अरे जिम्बाब्वे की कोई न्यूज़ आई है, देखे ज़रा, शेड्यूल मिल गया सर जिम्बाब्वे T20 लीग का, अभी दिखा देते हैं आपको दोस्तों, आपको वीडियो में मिल गया, अभी दिखा देते हैं आपको।
शेड्यूल जिम्बाब्वे का, मतलब हमारी टीम है दोस्तों, बैठी रहती है कुछ ना कुछ स्टडी करती रहती है। अब एक और न्यूज़ आई है हमारे पास दोस्तों, शेड्यूल तो आ चुका है लेकिन लोकल टाइम है वहाँ का, तो शेड्यूल है दोस्तों, मैं इनको कह दूंगा कि वो ग्रुप में शेयर कर दे, लेकिन लोकल टाइम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, 29 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। अब इसे क्लियर कर देते हैं, चलते हैं अभी कहाँ पे, सी और वी सी, रिस्की टीम, मैक्सो डोनाल्ड, रिस्की टीम, वन बीक। अरे अरे अरे, आप तो कुछ अलग ही करने वाले हो, है ना दोस्तों। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, लाइक आपने कर दिया मुझे पता है, धन्यवाद।